हरदोई की सांडी पुलिस की कस्टडी में मेडिकल के लिए जा रहे 3 साल की भतीजी से रेप के आरोपी बाइक फिसलते ही भागने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया और उसका उपचार कराया गया। मंगलवार की देर रात सांडी थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई थी। यहाँ क्षेत्र के गांव में सगे ताऊ ईश्वर दयाल ने अपनी 3 वर्षीय भतीजे के साथ दुराचार किया। दरअसल 3 साल की बच्ची को उसका ताऊ टॉफी खिलाने के बहाने से ले गया और वहां उसके साथ हवानियत की घटना को अंजाम दिया। बच्ची को रोते हुए वह घर लाया और घर में डालकर फरार हो गया। परिजनों ने जब खून देखा तो मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद परिजन थाने पहुंचे, जिसके बाद एसपी अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। बालिका के पिता की तहरीर पर सांडी थाने में आरोपित ईश्वर दयाल के खिलाफ दुराचार करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और बच्ची की हालत नाजुक होने के कारण इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के मुताबिक रेप के आरोपित ताऊ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे बाइक से मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। बरसात की वजह से बाइक फिसल गई तो आरोपित पुलिस से भागने लगा, जिसके बाद उसे दौड़ाया गया और बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया गया। घायल आरोपित का जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची के साथ जो बलात्कार का अभियुक्त था, उसको सांडी पुलिस द्वारा रात में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था। बरसात होने के कारण उसकी मोटरसाइकिल कांस्टेबल की फिसल गई, जिससे वो भागने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उसको पैर में चोट आई है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।